हेलो दोस्तों, वेलकम टू चेतना क्लासेस, लर्न मराठी विथ इजी एक्सप्लेनेशन इन हिंदी। आप सीखने जा रहे हैं मराठी अक्षर भारती स्टैंडर्ड 10th इंग्लिश मीडियम। आज की हमारी प्रार्थना है चैप्टर 1 से, तू बुद्धि दे। इसे गुरु ठाकुर जी ने लिखा है और इनका जन्म 1968 में हुआ था। ये प्रसिद्ध कवि, गीतकार, स्तंभ लेखक, नाटककार, कथा, पटकथा आणि संवाद लेखक इस रूप में प्रसिद्ध है। मराठी चित्रपटांसाठी त्यांनी लिहिलेली गीते अतिशय लोकप्रिय आहे और इन्होंने मराठी मूवीज के लिए जो गाने लिखे हैं ये बहुत ही लोकप्रिय है, जिनमें से कुछ मूवीज के नाम इस प्रकार है, नटरंग, अगबाई अरेच्चा, घर दोघांचे, टाइम पास, डॉक्टर प्रकाश बाबा आमटे। और इनके सर्वोत्कृष्ट गीत के लिए 2009 में इन्हें कला गौरव पुरस्कार और सन 2010 में इन्हें जी गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। यहाँ गुरु ठाकुर जी हमें क्या मैसेज देना चाहते हैं ये इस लाइन में देखते हैं। प्रस्तुत प्रार्थनेत सन्मार्ग, सन्मति आणि सत्संगति यांचे महत्व कवि ने अधोरेखित केले आहे। तो कवि यहाँ पर आपको सन्मार्ग यानी कि अच्छे मार्ग, सत्मार्ग पर चलने के बारे में प्रेरणा दे रहे हैं और सतमति यानी कि अच्छी बुद्धि और साथ ही सत्संगति अच्छे लोगों की संगति में रहने के महत्व को बता रहे हैं। कायम सत्याची कास धरता यावी और हमें जीवन भर सत्य का साथ निभाते आना चाहिए। संवेदनशीलता अपने अंदर समा सके इतनी ताकत मिले और हम अनाथों के नाथ हो सके इतना बल मिले और साथ ही शाश्वत सौंदर्य भी हमारे जीवन में आए। सौंदर्य दो प्रकार का होता है, एक मन की सुंदरता और एक तन की सुंदरता। तन की सुंदरता तो कुछ समय में ढल जाती है, मगर अगर हमारा मन अच्छा हो तो ये हमेशा हमेशा सुंदर बना रहेगा, जिसे शाश्वत सौंदर्य कहा जाता है। यह भावना प्रार्थनेतून व्यक्त झाले आहे, तो कवि की यह भावना इस प्रार्थना के माध्यम से व्यक्त की गई है। तो आइए हम सभी प्रार्थना करते हैं। तू बुद्धि दे, तू तेज दे, नव चेतना विश्वास दे, जे सत्य सुंदर सर्वथा आजन्म त्याचा ध्यास दे। तू बुद्धि दे, तू तेज दे, नव चेतना विश्वास दे, हरवले आभाड जांचे होतयांचा सोबती, सापडे ना वाट जाना होतयांचा सारथी, साधना करती तुझी जे नित्य तव सहवास दे, जे सत्य सुंदर सर्वदा आजन्म त्याचा ध्यास दे। तू बुद्धि दे, तू तेज दे, नव चेतना विश्वास दे, जानावया दुर्बलांचे दुःख आणि वेदना, तेवत्या राहो सदा रंध्रातुनी संवेदना, धमन्यात लारुधिरास या खल भेदनाची आस दे, सामर्थ्य या शब्दांस आणि अर्थ या जगण्यास दे, जे सत्य सुंदर सर्वदा आजन्म त्याचा ध्यास दे। तू बुद्धि दे, तू तेज दे,
नवचेतना विश्वास दे, सन्मार्ग आनि सन्मति लाभो सदा सत्संगति, नीति नाही भ्रष्ट हो जरी संकटे आली किती, पंखास या बड़ देनवे झे पावनाकाश दे, जे सत्य सुंदर सर्वता आजन्म त्याचा ध्यास दे, तू बुद्धि दे तू तेज दे, नवचेतना विश्वास दे। तो इस प्रकार हमारी प्रार्थना थी। अब आइए चलिए इसका अर्थ और भावार्थ देखते हैं। तेज, तेज यानी कि प्रकाश। नवचेतना नवीन प्रेरणा, न्यू लाइफ। सर्वथा सदैव, आजन्म जीवन भर। ध्यास दे हमेशा जिसके बारे में ही हम सोचे, यानी कि कॉन्स्टेंट थिंकिंग अबाउट दैट। कवि ईश्वर से प्रार्थना करते हुए कहते हैं, हे देवा तू मला बुद्धि दे, प्रकाश दाखव, नवीन स्फूर्ति दे, विश्वास दे। जगात जे जे सत्य व सुंदर आहे त्या गोष्टीची मला जन्मभर आसक्ति असू दे। तो यहाँ कवि क्या कह रहे हैं कि हे ईश्वर मुझे बुद्धि दीजिए और प्रकाश दिखाइए और जीवन में नई स्फूर्ति दीजिए और विश्वास दीजिए, और इस जग में जो भी सत्य और सुंदर है जो हमेशा रहने वाला है इन बातों की मैं जन्म भर आसक्ति रख सकूं, यानी कि पूरी जीवन भर मैं इन बातों का ध्यास रख सकूं, ऐसी शक्ति मुझे दीजिए। अगली लाइन में है, हरवले आभार जांचे हो तयांचा सोबती। सोबती यानी कि फ्रेंड। जे निराश्रित आहेत, निराधार आहेत, अनाथ आहेत, त्यांचा तू सोबती हो। कवि कहते हैं, हे ईश्वर जो लोग निराधार है, निराश्रित है, अनाथ है, उन सभी के आप सोबती यानी कि संगी बन जाइए। सापड़े ना वाट जानना, जिन्हें रास्ता नहीं मिल रहा हो त्यांचा सारथी, आप उनके सारथी, सारथी यानी कि मार्गदर्शक। कवि कहते हैं, जानना जीवन मार्ग, सापड़े ना जे भटकलेले आहेत त्यांना तू मार्गदर्शक हो। साधना करती तुझी, साधना जे तुझी मनोभावे भक्ति करतात, तुझी जे नित्य तव सहवास दे, त्यांना तुझा नेहमी सहवास घडू दे, त्यांच्या पाठीशी उभा रहा। कवि ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हे ईश्वर जो निराश्रित है, निराधार है, अनाथ है, आप उन सभी के साथी बन जाइए, संगी बन जाइए, और जिन लोगों को अपना जीवन मार्ग नहीं मिल रहा है, जो जीवन में भटक चुके हैं, आप उनके मार्गदर्शक बन जाइए, और जो कोई भी मनोभाव से आपकी भक्ति करता है आप हर हमेशा उसका सहवास यानी कि उसका साथ दीजिए, उसके सपोर्ट में हमेशा उसके पीछे खड़े रहिए। जाना व्या दुर्बलान से दुख आनी वेदना, तेवत्या राहो सदा रंध्रातुनी संवेदना। तेवत्या, तेवत्या यानी कि जलनार्या, जलने वाला, रंध्रातुनी नसों नसों में से, और संवेदना यानी कि भावना, नसों में उठने वाली भावना। धमन्यातल्या रुधिरास, धमनी में जो रक्त है, रुधिरास यानी कि रक्त, या खल, खल यानी कि कोई दुष्ट व्यक्ति, खल भेदन्याची आस दे। सामर्थ, सामर्थ यानी कि यथाशक्ति, जितनी शक्ति हो। कवि कहते हैं, पीड़ित दुर्बड़े गोर गरीब लोकांच्या वेदना आणि व्यथा जानून घ्यायची संवेदना नेहमी माझ्या नसामध्ये उजडत,
तेवत राहो। कवि कहते हैं कि हे ईश्वर, जो कोई भी दुखी है, पीड़ित है, दुर्बल है, गरीब है, उन लोगों की जो वेदना है यानी कि उनका जो दुख है, उसे मैं जानूं, उसे मैं जान सकूं और ये संवेदना हमेशा मेरे नसों में जलती रहे, तेवती रहे, तेवत्या रहो। तो वो संवेदना मेरे नसों में जलती रहे। माझ्या नसा तुनि वाहनार्या रक्ताला दुष्ट जनांचा नाश करण्याची प्रेरणा दे, और मेरे धमनी में जो रक्त है उसमें ये प्रेरणा दीजिए कि जो भी दुष्ट व्यक्ति, कोई दुष्ट आत्मा अगर मुझे मिले तो मैं उसे खत्म कर सकूं, भेद सकूं उसे मैं। माझ्या शब्दांना अदम्य शक्ति आणि माझ्या जीवनाला अर्थ दे, और मेरे शब्दों को अदम्य शक्ति, जिसे कोई खत्म ना कर सके, ऐसी शक्ति दीजिए और मेरे जीवन को एक अर्थ दीजिए, ताकि मैं जो जीवन जी रहा हूँ वो निरर्थक ना रह जाए, उसमें एक अर्थ हो जिससे मैं किसी और का भी भला कर सकूं। सन्मार्ग सत्याचा मार्ग, सत्य की राह में सन्मति चांगली बुद्धि, अच्छी बुद्धि, और सत्संगति यानी कि चांगली संगति, अच्छे लोगों की संगति। नीति, जो कुछ भी हम अच्छी भावना रखते हैं यानी कि सद्भाव, जिसे हम एथिक्स भी कहते हैं। भ्रष्ट करप्शन, झेपावन्या उड़ी मारने, नवे झेपावन्या आकाश, यानी कि नया आकाश दीजिए जहां हम उड़ सके। तो कवि कहते हैं सन्मार्ग और सन्मति, सन्मार्ग सन्मति सज्जनांची संगत मला सदैव मिलो, मुझे सन्मार्ग मिले, सन्मार्ग मिले, सन्मति मिले और सज्जनों की संगति मिले। किती ही संकटे आली तरी सदाचारा पासुन मला परावृत्त करू नकोस, कितना भी संकट, कितना भी प्रॉब्लम मेरी लाइफ में क्यों ना आ जाए, मुझे सदाचार यानी कि अच्छे एथिक्स से मुझे कभी भी दूर न करें। माझी नीति भ्रष्ट हो ने, मेरी नीति, मेरे एथिक्स कभी भी करप्ट ना हो, इतनी शक्ति मुझे दीजिए। कर्तव्याचा आकाशात भरारी घेण्यासाठी माझ्या पंखात बढ़ दे, और अपने जीवन में जो कर्तव्य है उस कर्तव्य के आकाश में मैं तेज भरारी मार सकूं, यानी कि उस आसमान में बेफिक्र होकर मैं उड़ी मार सकूं, इतना मेरे पंखों को आप बल दीजिए। तो कवि इस प्रकार से ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हम सभी भी ईश्वर से कुछ इस प्रकार ही प्रार्थना करें कि हमारी 10th स्टैंडर्ड की जो पढ़ाई है वो सुख रूप से निकल जाए, यानी कि हम अच्छी खासी प्रिपरेशन कर सके, और इस अच्छी तैयारी के साथ साथ जो ये कोविड का प्रॉब्लम है ये सब भी सॉल्व होके सब कुछ लाइफ नॉर्मल हो जाए। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज मुझे कमेंट में जरूर बताइए, अपने कमेंट्स लिख के। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है और आप इस चैनल पर नए हैं तो आज ही सब्सक्राइब करें आपका अपना चेतना क्लासेस यूट्यूब चैनल, और आने वाली सभी वीडियो लेक्चर्स की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, और हाँ कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि आपके कमेंट्स ही हमारा मोटिवेशन है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।